बेटा लास्ट जो पॉइंट है हमारा इसका साइकिल रूम का वो है लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रोन। बेटा साइक्लोट्रोन की लिमिटेशंस क्या है? बेटा फर्स्ट लिमिटेशन है साइक्लोट्रोन की कि साइक्लोट्रोन से केवल हम चार्ज पार्टिकल्स को ही एक्सलेट कर सकते हैं, अनचार्ज पार्टिकल को एक्सलेट नहीं कर सकता। आपको पता है बेटा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स केवल किस पर लगा सकता है? चार्ज पार्टिकल पर। इसलिए तो वी कैन नॉट एक्सिलरेट अनचार्ज पार्टिकल्स, अनचार्ज पार्टिकल्स जैसे कि बेटा न्यूट्रॉन हो गया बाई साइक्लोट्रोन। ओके, सेकेंड सेकेंड में बेटा हम बहुत ज्यादा लाइट पार्टिकल्स को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो बेटा हम प्रोटॉन को 20,000 हर्ट्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बेटा हम एक्सलेट कर पा रहे थे, क्योंकि 20,000 हर्ट्ज के साथ जो पार्टिकल जो प्रोटॉन है उसकी फ्रीक्वेंसी बेटा मैच हो रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी इतनी थी और प्रोटॉन की अपनी सर्किल की फ्रीक्वेंसी रही होगी जो सर्किल पूरे कर रहा है अपने, ठीक है, दोनों मैच हो रहे थे तभी एक्सलेट हो पा रहा था। लेकिन बेटा अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन का मास बेटा प्रोटॉन से 1/1840 टाइम्स होता है। इट मीन्स बहुत हल्का होता है बेटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के सामने। तो सोचो पहली बार में इलेक्ट्रिक फील्ड गैप के अंदर उसको इतना एक्सीलरेट कर देगा कि जैसे ही ये D1 से बाहर निकल रहा होगा बेटा, उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी जो होगी उसके अकॉर्डिंग पोलैरिटी चेंज नहीं हो पाएगी। और सोचो इलेक्ट्रॉन बेटा बहुत लाइट होता है, तो अगर मैं वैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो हो सकता है मुझे इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी जरूरत है फ्रीक्वेंसी के लिए, 2×10^6 की। बेटा इतनी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करना किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो बेटा जब ये फ्रीक्वेंसी हम मैच ही नहीं करा पाएंगे तो कहाँ से एक्सलेट करेंगे इसे? तो एक्सलेट करने की बेसिक कंडीशन ही क्या होती है बेटा? फ्रीक्वेंसी को मैच कराना पार्टिकल की एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटर की। ओके स्टूडेंट्स, सो हम कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन जैसे लाइट पार्टिकल को एक्सलेट नहीं कर पाएंगे। तो वी कैन नॉट एक्सिलरेट लाइट पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन यूजिंग साइक्लोट्रॉन बिकॉज रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन फॉर देम कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। ओके, क्योंकि उसके लिए बेटा हमें बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटर चाहिए जो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, थर्ड बेटा हम एक डेफिनेट वेलोसिटी तक ही चार्ज पार्टिकल एक्सलेट कर पाएंगे। वो आपको पता है बेटा डी के अंदर है तब तक तो एक्सलेट हो रहा है, उसकी रेडियस बेटा डी तक पहुंच गई बिल्कुल मैक्सिमम। अब बताओ अब उसको उसके अलावा रेडियस हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, उसके बाद बेटा उसकी स्पीड भी नहीं बढ़ पाएगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं वी कैन एक्सिलरेट चार्ज पार्टिकल अप टू आ पर्टिकुलर मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके, सेंस हमें पता है जो वी मैक्स होता है वो किसके पर होता है? आर मैक्स के। ओके ओके डे, अब यहां तक आप इसको नोट करो जल्दी से। अब बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 4.4 है बेटा, साइक्लोट्रोन पर बेस्ड है। इसमें बोला है अ साइक्लोट्रोन्स ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज न्यू इक्वल टू 10 MHz, इक्वल टू 10 पावर बेटा इसकी 6 हो जाएगी, मेगा के लिए तो कितना हो गया 10^7 Hz। तो बेटा ये किसकी फ्रीक्वेंसी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर एज वेल एज चार्ज पार्टिकल। तो आपको पता है बेटा जब दोनों मैच करते हैं तभी साइक्लोट्रोन वर्क करेगा, इट मीन तभी वो पार्टिकल्स को एक्सीलरेट कर पाएगा। ओके, व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड? बेटा हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछा था क्या होगा फॉर एक्सीलरेटिंग प्रोटॉन्स। बेटा किसकी बात कर रहा है? ये प्रोटॉन की बात कर रहा है,
मैं ऊपर लेके जा रहा हूं इसे, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ डी, बेटा डी की जो रेडियस है, इट मीन जो आर मैक्सिमम है, इक्वल टू, बेटा ये हमें दे रखा है 60 सेंटीमीटर, तो ये एक्चुअल में क्या है, रेडियस ऑफ डी आपको बता रखा है मैंने, है ना। इसके बाद हमें बेटा काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा ये भी हमें फाइंड आउट करनी है। और द प्रोटॉन बीम प्रोड्यूस बाय एक्सीलेटर, इसका चार्ज बेटा हमें दे रखा है, मास दे रखा है, और बेटा 1 MeV का मतलब बता रखा है। चलो अब करते हैं इसके बाकी। बेटा पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, बी फाइंड आउट करना है। बेटा आपने फॉर्मुला पढ़ा था भाई, जो फ्रीक्वेंसी होती थी टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होती थी कि नहीं, तो टाइम पीरियड होता था 2πm/qv, तो बेटा 2πm/qv कहां पहुंच जाता था, ऊपर। तो बेटा ये न्यू आया, मुझे फाइंड आउट करना है बेटा बी। सो यहां से बेटा बी निकालो, बी निकालेंगे तो 2πm/μ ये आया, अपॉन में बेटा क्यू, रखो सारी वैल्यू, 2 × π की वैल्यू 3.14, बेटा मास 1.67 × 10⁻²⁷, बेटा जो इसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू वो 10⁷ है, क्योंकि जो पार्टिकल की है सेम ऑसिलेटर की है, और बेटा चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹। अब बेटा इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये वैल्यू निकल कर आएगी 0.66 टेस्ला। अब बेटा मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, तो के मैक्सिमम निकालना था, अब तो बेटा आपके पास वेलोसिटी यहाँ पे, जो वेलोसिटी होगी उसके बेस पे निकाल पाएंगे। वेलोसिटी को हम किससे निकाल सकते हैं, आर ओमेगा से निकाल सकते हैं, या सिंपल आप फॉर्मूला लगा दो कि मैक्स हम जानते थे बेटा 1/2 mv² का स्क्वायर। और बेटा बी मैक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे साइड में निकाले दे रहा हूं इसे, बी मैक्सिमम बेटा बी इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो आर मैक्सिमम इंटू ओमेगा, तो आर मैक्सिमम बेटा ओमेगा का मतलब क्या है 2πμ, सारी वैल्यू को हम रख सकते हैं यहाँ पे। तो बेटा आर मैक्सिमम आपको गिवन था 60 सेंटीमीटर, 60 × 10⁻², इंटू में बेटा 2π की वैल्यू 3.14, बेटा जो फ्रिक्वेंसी दी थी हमें 10⁷ दे रखी था, इसका बेटा मल्टीपल करके सोल्व करेंगे तो बेटा यहां से जो बी मैक्सिमम निकल कर आएगा वो आएगा 3.78 × 10⁷ m/s। ओके स्टूडेंट्स, मैंने एनसीईआरटी की बुक से डाटा ले लिया है, अब बेटा आप इनकी वैल्यू पुट करो यहाँ पे 1/2, अब बेटा आपको पता है ये किसमें है, इन जूल है, ओके। तो 1/2 mv² बेटा आपको जूल को लाना है किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना, आपको बेटा पता है किससे डिवाइड करना पड़ता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ से मेगा के लिए 10⁶ से और करना पड़ेगा, तो इसमें निकल कर आएगा इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को पुट करके, सारा डाटा हमें पता है, 1/2 बेटा m की वैल्यू 9.1 × 10⁻³⁻³ इंटू बी मैक्स बेटा हमने निकाला है 3.78 × 10⁷ m³ अपॉन 1.6 × 10⁻³⁹। अब बेटा इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 7 MeV। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।